सभी कर्मचारियों की हमने आम सभा हमने बुलाई है, जिससे अवगत कराने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे जो मुख्य उद्देश्य है, जो अब तक पिछले एक वर्ष में जो कर्मचारियों की मांगे हमारी पूरी हुई हैं, उनको कर्मचारियों के बीच में रखना और जो हमारे अभी कार्य लंबित हैं बार बार हमारे अधिकार में रखा जाएगा, और कुछ कर्मचारियों के बीच में जो आज के समय में माहौल है, जो कर्मचारियों में भय का माहौल बना हुआ है आज की डेट में, इसके बारे में भी इस पर चर्चा की जाएगी और कुछ गंभीर निर्णय भी अगर हमें लेने पड़ेंगे तो उसके लिए भी हमने अपनी कार्यकारिणी में आज वार्ता की है। आगामी 11 फरवरी को हम उसमें कोई गंभीर निर्णय भी ले सकते हैं, जैसे कि हमें काम बंद करने की तैयारी करनी पड़ सकती है, हड़ताल पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आज के समय में कर्मचारियों के प्रति जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनका कुछ सकारात्मक नहीं है। प्रतिकूल प्रविष्टि देना तो जैसे एक रेवड़ी बांटने की तरह हो गया है प्राधिकरण में, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इतने कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई हो। हमारे जो संविदा कर्मी कुछ निकाले गए हैं, हमारे सीओ मैम से अनुरोध करने के बावजूद, जबकि उसमें आश्वासन दिया गया था कि जो उनमें सही पाए जाएंगे उनको वापस लिया जाएगा, लेकिन उन सभी की पत्रावली लंबित है, अभी तक उन्हें वापस लेने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्लास 4 तक के कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, जरा जरा सी बात पर जरा जरा सी लापरवाही के ऊपर सस्पेंशन किया जा रहा है, जबकि हमारे कर्मचारी अधिकारी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9-9 बजे तक कार्य कर रहे हैं। ये सब आप भी भली बात जानते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य हो, चाहे वो मेंटेनेंस का कार्य हो, चाहे वो उद्यान का कार्य हो, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ कार्य, तमाम डिपार्टमेंटों में सेक्टर 6 में जबकि हमारे यहाँ कर्मचारियों की इतनी कमी है, मैं आपको उम्मीद करा दूँ 2246 जो पद हैं उनमें केवल 1200 लोग कार्य कर रहे हैं आज के डेट में। 2246 जो स्वीकृत पद हैं नोएडा प्राधिकरण में, उनमें केवल 1230 कर्मचारी और अधिकारी सब मिलाकर, और क्लास 3 की तो स्थिति यह है कि 943 जो पद हैं उनमें केवल 390 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 1/3। सबसे बुरी जो दयनीय स्थिति है वो क्लास 3 के कर्मचारियों की है। हमारी प्रेस वार्ता का जो मुख्य मुद्दा है, हमने नोएडा एम्प्लॉय एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक की, उसमें सभी का ये निर्णय हुआ कि 11 फरवरी को हम कर्मचारियों की आम सभा बुलाएंगे, जिसमें हम अब तक हमारी जो उपलब्धियाँ उनको बनाएंगे, उसके अलावा जो लंबित मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं उच्च अधिकारियों द्वारा, उन सबको भी कर्मचारियों के समक्ष रखेंगे, और कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनके संबंध में आगामी जो भी निर्णय लेना होगा वो हम आम सभा में लेंगे। किस तरीके के डिसीजंस लिए जा सकते हैं आप लोगों की आम जनसभा में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई और सारी चीज़ें हो रही हैं, कर्मचारियों की मांगों को नज़रअंदाज किया जाएगा, उनको नहीं मांगा माना जाएगा, तो कर्मचारी किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो 390 लोग काम कर रहे हैं। 2011 से कोई भर्ती नहीं हुई, 2011 से कोई भर्ती नहीं हुई, हर महीने रिटायरमेंट लगातार हमारे कर्मचारी होते जा रहे हैं। दिसंबर के महीने में 14 अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हुए, इस माह जनवरी में अभी शुक्रवार को हमारे 31 तारीख को 13 कर्मचारियों की रिटायरमेंट है, भर्ती कोई हो नहीं रही है कर्मचारियों पे, अननेसेसरी का जो वर्कलोड हो रहा है प्रेशर बनता जा रहा है, एक एक कर्मचारी कई कई कर्मचारियों का काम कर रहा है, ऐसे में कर्मचारियों से त्रुटि होने की संभावना रहती है, और ऊपर से अधिकारियों को प्रेशर रहता है कि 2 दिन वाला काम 1 दिन में करके ला के दो, तो इससे सभी कर्मचारियों में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, उसको उच्च अधिकारियों के समक्ष रखना है, और बाकी जो हमने जो हमारी योजना है उसके बारे में हम आपको 11 फरवरी को आम सभा में बुलाएंगे, उसमें सभी कर्मचारियों के बीच में हम रखेंगे कि आगे की हमारी क्या योजना है। सकारात्मक कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है, मतलब सीधे शब्दों में आप प्राधिकरण का मोर्चा खोल, सकारात्मक कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है, मतलब सीधे शब्दों में आप प्राधिकरण का मोर्चा खोल।